आजा भाई आजा, जल्दी चलना भाई, देर होगी ऑफिस के लिए, चल बैठते हैं। ओ ओ अरे जल गया भाई, जल गया पिछवाड़ा, जल गया भाई। कैब कर लेते हैं यार। अबे पागल हो गया तू, बहुत दाम बढ़ा रखे हैं कैब वालों ने भाई। नहीं नहीं भाई, कैब में एसी है यार। अरे तो क्या हो गया, अपनी बाइक पे WC है। WC? यस WC। वाटर कंडीशनर। तो ये एसी भी ठंडा नहीं कर रहा है, कितना टेम्परेचर गिराऊं, बुरा हाल है गर्मी में। इतनी गर्मी कर रखी है पवन तुमने, ड्रॉइंग रूम का एसी चला लो। अरे चल रहा है, ठंडा ही नहीं कर रहा बस। अच्छा ये बताओ, तुम छत पे से कपड़े ले आए? कौन से कपड़े? जो मैंने सुबह धोए थे। अरे मुझे नहीं पता। पवन प्लीज चले जाओ लेने। मैं नहीं जा रहा नामिका, तू खुद चली जा। तुम्हें पता है मेरी कमर में कितना दर्द है? मैं रोज रोज तुमसे किसी काम के लिए बोलती हूँ क्या? अरे मुझे कैसे पता हुआ तेरी कमर में दर्द और कैसे हो गया दर्द? अरे तुम्हें तो पता है मैं किट्टी में गई थी, मुझे थोड़ा नाच गाने का शौक है, मैं ना सबको देख देख के मेरा भी मन करके डांस करने का, मैं डांस करने लगी, पसीना टपकने लगा, मैं पसीने में फिसल गई, बहुत दर्द हो रहा है कमर। यार बहुत गर्मी है, मैं आज के बाद तुमसे कोई काम नहीं कराऊंगी, आई प्रॉमिस। बस तुम आज कपड़े ले आओ छत पे से, अपने आप भी कर लिया कर अपना काम। गर्मी तो बहुत बढ़ गया है यार। अरे बहुत है गर्मी बढ़ गया है, इसका कारण जानते हो? काहे काहे का? यूक्रेन, ये जो युद्ध चल रहा है ना, ये जो पुतिन ने इतना बमबारी कर दिया, इतना बमबारी कर दिया है यूक्रेन में कि साला उसके कारण गर्मी बहुत बढ़ गया है। ये जो रशिया और इसका चल रहा है ना यूक्रेन वाला, इसकी वजह से ही हम बता रहे हैं, ये पुतिन मानेगा नहीं। जल गए मेरे पैर, अब मुझे समझ आए और छत पे क्यों नहीं जा रही थी। अरे हाय गर्मी। कैसे है पवन पैरव? ठीक है यार, आज ना बड़ी जोर से चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ तो बना ले और पी ले, दूध होता तो पी लेती। पवन दूध ला दो। ऐसा है नामिका, मैं नहीं जा रहा, चाय तुझे पीनी है, तू दूध ले आ। पवन तुम्हें पता है ना मेरी कमर? हाँ मुझे पता है तेरी कमर में दर्द हो रहा है ना, तू सीढ़ी चढ़ सकती है ना सीढ़ी उतर सकती है, तो बात क्लियर है, मैं दूध लेने नहीं जा रहा। तू एक काम करो, दूध वाले को बोल दे, वो दे जाएगा दूध, बना लियो चाय। तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ? अरे मुझे कैसे पता हुआ क्या हो गया? मर गया बेचारा। मर गया कैसे? इतनी गर्मी में सबके घर दूध बांटेगा तो बच जाएगा क्या वो? मर गया। अच्छा तो फिर मैं क्यों जाऊँ इतनी गर्मी में दूध लेने? मैं नहीं जा रहा। पवन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पूरी दुनिया में एक ही चीज पसंद है और वो है चाय। अरे तू छोड़ छोड़ छोड़, मुझे मैं ले आऊंगा, चिपक मत मेरे से, गर्मी हो रही है। थैंक यू। मेरे पास ना थोड़ी सेविंग पड़ी हुई है, मैं सोच रहा था कि आइसक्रीम की फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दूं। अरे भाई इन्वेस्ट ही करना है तो पॉकेट ऑप्शन पे करना। पॉकेट ऑप्शन ये क्या है भाई? पॉकेट ऑप्शन एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत 2017 में हुई है और यहाँ पे हर ट्रेडर को मिलता है मोस्ट एडवांस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और इस पे 1,00,000 से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो मंथली $800 से $50 की इनकम जनरेट कर रहे हैं और पता है 95 कंट्रियों में अवेलेबल है पॉकेट ऑप्शन और इसमें अपना इंडिया भी आता है। यार ये तो बहुत सही है। और इसके सबसे बेस्ट फीचर की बात करूँ ना तो 100+ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे क्रिप्टो स्टॉक फोरेक्स और यहाँ पे आपको मिलता है 50+ डिपॉजिट मेथड लाइक फोन पे UPI वीजा यूपे पेटीएम एंड मैनी मोर जहाँ पे आपको सिर्फ 0% कमीशन देनी होती है डिपॉजिट और विड्रॉल पे और $10 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और क्या फीचर है इसमें? और भाई इसका एक और सबसे बेस्ट फीचर है S5 जिस पे आपको मिलता है 20% फास्टर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स। और अगर तुझे इन्वेस्ट नहीं करना है ना तो भाई अपना डेमो अकाउंट चेक कर, उसमें मिलेंगे तुझे $10,000 जिससे तू नई नई ट्रेडिंग्स का एक्सपीरियंस कर सकता है और भाई पैसे कमाने सीख सकता है। तो भाई जल्दी से ट्रेडिंग करना पॉकेट ऑप्शन पे। भाई मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। हाँ कर ले कर ले। इतनी गर्मी में इतनी गर्म चाय? अरे भैया चाय तो गर्म ही होती है ना, और वैसे भी
गर्मी गर्मी को काटती है, पीजे पीजे ये फरान की चाय है, आनंद आ जाएगा। यार इतनी गर्म चाय पी के तो हमारा पूरा शरीर गर्म आ जाएगा। एक काम करो, इसमें एक आइस क्यूब डाल दो। आइस क्यूब? पागल वागल हो गए हैं क्या? पता है कितनी महंगी है? 500 रुपए की आती है आइस क्यूब। 500 रुपए? 500 रुपए में तो पूरी बर्फ की सिल्ली आ जाएगी दिल्ली में। अरे भाई साहब, हम भी सिल्ली ही लेके आते हैं, लेकिन गर्मी इतना पड़ रहा है कि आते आते सांप पिघल जाता है, बचता है आइस क्यूब, इसलिए 500 रुपए का है, बोले डालें। और वैसे भी अगर इतना ही शौक है आपको ठंडा पीने का, तो कोल्ड ड्रिंक काहे नहीं पी लेते? ना 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 भैया, कोल्ड ड्रिंक नहीं, हम चाय के शौकीन हैं, चाय पीते हैं, और चाय के साथ खिलवाड़ नहीं। खिलवाड़ मतलब हम कर रहे हैं खिलवाड़? नहीं नहीं, हम कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। क्या चाय में आइस क्यूब डाल के कौन पीता है भाई साहब? बोलिए बोलिए, कैसी बातें कर रहा है ये प्राणी, और खिलवाड़ हम कर रहे हैं, वाह। और तुम जो उटपटांग चीजें डालते रहते हो अपनी चाय में, चीनी अदरक, अरे डालना है तो चॉकलेट डालो, सोडा डालो, और कुछ मतलब ठंडा आइटम डालो यार, गर्मी का मतलब की चाय बनाओ, एक नंबर का घटिया चाय है तुम्हारा। हाँ हाँ, नहीं सोडा नमकीन रख दे, आप मीरा बार में आए हैं क्या? आप बोलेंगे एक ठुमका लगा के दिखाओ, पागल वागल हो गए हैं क्या? और क्या बोल रहे हैं, हमारी चाय घटिया है। देखे भाई साहब, अब आपने हमको ललकार दिया है, हम बता रहे हैं हमारी चाय घटिया बोलते आप, देखे मार के भगवान स्थान फाड़ देंगे ससुर के नाती का। पागल बना रहे हैं हम, कुछ मर चाय को घटिया बता रहे हैं। थैंक यू, तुम दूध ले आए, बहुत गर्मी है बाहर, चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे तुम्हें? नहीं। चलो एक बात बता। हाँ? तू ये सब जान पूछ कर रही है ना, मुझे सारे बाहर के काम दे रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं तुझे धूप में जाना ना पड़े इसलिए मुझसे बोल रही है ना ये सब काम करने के लिए? एक्चुअली बाहर इतनी धूप है, गर्मी है, और डस्ट है, और पॉल्यूशन है, तुम्हें पता है ना, इतनी धूप में मैं बाहर जाऊंगी तो मैं काली पड़ जाऊंगी। अच्छा, तो धूप में तू इसलिए नहीं जा रही, तू काली हो जाएगी। हाँ। तो एक बात बता, इतने दिन से मेरा तू खून पी रही है, तू लाल तो नहीं हुई? धूप में जाने से काली हो जाएगी। एक मिनट, मैं लाल पड़ी हूँ या ना पड़ी हूँ, तुम जरूर मोटू लाल बन चुके हो। हाँ तो मत बनाना खाना। बढ़ तो जनसंख्या भी गई है, उसकी वजह से पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, पेड़ पौधे कम होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो रहा है, और उसकी वजह से गर्मी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम होगी तो गर्मी बढ़ेगा ना। ना क्या फालतू बात कर रहा है यार तिवारी, क्या फालतू बात कर रहा है, ये नहीं है असली कारण। असली कारण जो है ये जो हमारा जो पड़ोसी देश है ना, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान? अरे यार वो तो नंग देश है, उसका काय नाम ले रहे हो, वो क्या करेगा। हम बात कर रहे हैं चाइना की। ये जो ससुर है इसको बहुत आदत है डुप्लीकेट बनाने का, साला अपना सूरज बनाने लग गया है यार। अब बताइए, एक सूरज झेल नहीं रहा है तो दो कैसे झेलेंगे, अब गर्मी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलिए बोलिए। और कोरोना भी वही लाया था। हाँ तो बताइए बताइए। भाई बहुत गर्मी हो रही है यार, कब आएगा तेरा दोस्त? अबे आ जाएगा यार, वो तो भाई चश्मे ने थोड़ी राहत कर रखी है, नहीं तो इस गर्मी में मर ही जाए आदमी। अबे रघु आ रहा है क्या अपना? अबे रुक 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 भाई, इस गर्मी में कहाँ भाग के जा रहा है? अबे भाग नहीं रहा, एक्सरसाइज कर रहा हूँ भाई, एक्सरसाइज, पसीने निकाल रहा हूँ। भाई इतनी गर्मी में लोगों की उल्टी और दस्त हो रही है, इस भाई को एक्सरसाइज करके पसीने निकालना है। अबे धूप में खड़े हो जा, दो मिनट में पसीने से नहा लेगा। अबे ब्रो मेहनत करके पसीना निकालना है, चर्बी कम करनी है, दो महीने में इस बार तेरा भाई ना सारी चर्बी काट देगा, देख तू। भाई एक चक्कर में ना बेहोश हो लेगा पार्क में, और कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा तुझे। अरे चुप कर, बेहोश होता कमजोर आदमी, तेरा भाई तो स्ट्रांग है। और ये क्या है, क्या है ये, साले थोड़ी सी गर्मी हुई नहीं कि हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी। अबे ओ मैं ये वाली गर्मी की बात नहीं कर रहा, साले तुम्हारे लोगों का समझ ही नहीं आता, थोड़ी सर्दी होगी फिर क्या होगा, हाय सर्दी, कल को फिर जून जुलाई में बारिश होगी, हाय बारिश। भाई ये सब ना बहाने लोगों के अपनी चीजों पर ध्यान ना देने के, ठीक है? अबे हल्के में ले रहा भाई को, भाई दो मिनट में 60 की स्पीड में पार्क के दो चक्कर लगाएंगे। मैं नहीं मानता। अबे तीन मारूंगा। अबे तीन लगाएंगे। हाँ। क्या बोलते हो? हाँ, हाँ, लगा देंगे। 100 की स्पीड में? 100 हाँ। 100 की स्पीड में चार लगाएंगे। हाँ। तू भाग। अबे भाग। तू भाग। अबे भाग। तू भाग। अबे भाग। पक्का गिर गया। अबे गिर गया वो। गिर गया। हद हो गई करण, मतलब हद ही हो गई। कोई फर्स्ट डेट पे अपनी गर्लफ्रेंड को पार्क में लेके आता है क्या? नहीं मतलब क्या क्या सपने सजाए थे मैंने कि होटल जाऊंगी, अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी और चिल करूंगी,
पर नहीं, तुमने तो मुझे यहाँ चिलचिलाते गर्मी में आके बिठा दिया है। नहीं बेबी, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब जान पूछ के करूंगा? अरे वो चाचा का होटल है, अगर हम वहाँ जाते तो वो हमें पहचान ना लेते और सब कुछ गड़बड़ हो जाता। कोई और होटल था ही नहीं, इतने बड़े शहर में कोई होटल नहीं था। वाह, बस यहाँ पे गर्मी में बिठाना था। तुम्हें पता है कि मुझे कितनी दिक्कत होती है गर्मी से। नहीं, पर फिर भी तुम मुझे यहीं पे लेके आए हो। इससे अच्छा तो आते ही ना यहाँ पे। अरे बेबी, कहाँ गर्मी हो रही है, कहाँ हो रही है बताओ, कहाँ से धूप आ रही है? अच्छे खासे हट के नीचे बैठे हैं, हवा चल रही है इतनी प्यारी, पता नहीं आपको क्यों गर्मी लग रही है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही है। माना कि हम हट के नीचे बैठे हैं, लेकिन गर्मी की वजह से ये हवा चल रही है ना गरम गरम, वो दिक्कत दे रही है मुझे। अरे लू कहते हैं इसे। क्या लू? नहीं क्या लू? अरे मतलब लू, लू जो गर्म हवाएं चलती है ना गर्मी में, उनको लू कहते हैं। मैं कुछ नहीं लेने की बात कर रहा बेबी, आप गुस्सा मत करो, देख मेरी बात सुनो। अच्छा नाराज हो गई क्या है? देख देख ठीक है, मैं दूर हूँ, बात तो सुनो मेरी। बेबी आइसक्रीम खाओगी? हाँ, ये अच्छा कहा तुमने, हाँ आइसक्रीम खाऊंगी। चलो फिर चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम जाके लेके आओ, मैं यहीं पे खाऊंगी। पक्का खा लोगी ना? हाँ। पर गुस्सा तो नहीं होगी ना? नहीं गुस्सा नहीं करूँगी। पक्का ना? पक्का। मैं अभी लेके आया, यूं गया यूं आया, गर्मी नहीं, आराम से एयर का मजा लो ना तुम। ओए होए होए होए, अरे भाई मजा आ गया भाई। ओ भाई भाई थोड़ा सा यहाँ को लगा दे भाई, थोड़ा सा यहाँ को। आहा भाई ठंडक, अरे मिल गई कलेजे को ठंडक भाई, थोड़ा सा यहाँ इधर भाई, पाउडर ना हो तो गर्मी में कोई सहारा ना है। ओए होए 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 ठंडक, आए होए होए भाई, थोड़ा सा इधर लगा दे मेरी जान, थोड़ा सा इधर। ठंडक पहुँच भाई भाई, थोड़ा सा यहाँ कोक पे लगा दियो। थोड़ा सा और नीचे यार, थोड़ा सा और नीचे भाई, माँ कसम मज़ा आ रहा भाई, थोड़ा सा और नीचे भाई। हाँ हाँ भाई, थोड़ा सा और नीचे लगा दे बस, मज़ा आ जाएगा भाई। भाई आपके पिछवाड़े में घुस जाऊँ? घुस जा भाई, हर जगह ठंडक पहुँचनी जरूरी, लगा दे पीछे। बेबी आपके लिए आइसक्रीम ले आया, ये रही। कहाँ है आइसक्रीम, पिघल गई है वो? पिघल गई? बस बस गुस्सा मत करो, मैं भी लेके आ रहा हूँ। हट दो गई यार, इस लड़के के ड्रामे ही नहीं खत्म होते। बेबी क्या कर रहे हो करण, मजाक चल रहा है कोई? मजाक थोड़ी करूंगा, पता नहीं इतनी गर्मी हो रही है। इससे तो तुम रहने ही दो, ड्रामे करी जा रहे फालतू के। एक और लेके आ रहा हूँ, नाराज ना हो, मैं लेके आ रहा हूँ, मैं अपने बेबी को आइसक्रीम खिलाऊंगा जरूर। आया यहाँ सब कुछ पिघल रहा है। बेबी आपके लिए आइसक्रीम, ये लो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अब आइसक्रीम वाले के पास लेके जाऊंगा, अब हम वहीं खाएंगे आइसक्रीम। नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम में नहीं खाना, यहीं पे बैठते हैं ना। नहीं नहीं चलो ना, वहीं खाएंगे ना। अरे नहीं, सब कुछ पिघल जाएगा। अरे बेबी क्यों पिघलेगा, वहीं पे खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जाना ही नहीं है मुझे, यहीं पे बैठते हैं। नहीं नहीं चलो ना, मेरे साथ चलो ना। गवर्नमेंट? अरे गवर्नमेंट कहाँ से बीच में आ गई तिवारी, क्या बात कर रहे हो? गवर्नमेंट काहे खराब हो गई यहाँ, क्या पिछली गवर्नमेंट में गर्मी नहीं थी है? इसी बार ज्यादा पड़ रही है क्या? पिछली बार इससे भी ज्यादा गर्मी थी, गर्मी तो है ये नहीं। ये देखिए कहीं दिख रहा है हमको, पसीना दिख रहा है, बताइए बताइए कहीं पसीना है हमारे चेहरे पे? गवर्नमेंट के बारे में कुछ मत बोलिएगा तिवारी, बता रहे सारी दोस्ती खराब हो जाएगी। हाँ बेबी मेरे से गलती हो गई, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी ऐसे पार्क में नहीं लेके आऊंगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गर्मी में मैं तो सोच रहा अकेले, बस बस थोड़ी सी और देर की धूप है, उसके बाद में तुम्हें बस कहीं भी नहीं लेके। तू कौन है? मेरी बेबी कहाँ है? बेबी मैंने तो पहले कहा था कि धूप में मत चलो, धूप में मत चलो, सब पिघल जाएगा। सब पिघल गया ना? पिघल तो मेरे अरमान गए। अरे मेरी मैया। बेबी सुनो ना, आइसक्रीम तो खिला देते। मटके का पानी जो है ना बहुत लाभदायक है, हम बता रहे हैं। फ्रिज का पानी बहुत नुकसान करता, पता आते फुला देता है, गर्मी में बहुत नुकसान करता, खाना नहीं पचता है।